संकट में इनाम के रूप में लेकर चलता हूँ। बदल दूंगा इंडिया मुरादाबाद की, ये ऐलान है तुमसे। सरकार के मुकालते में मत रहो, सरकारें आती और जाती है, लेकिन हम लोग जिस रास्ते को तय करते हैं अंजाम तक भी पहुंचना चाहते हैं, ये मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। गफलत में जीना छोड़ दो, ये चार दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात है। ये गफलत में जीना छोड़ दो और बसों को रोकना बंद करो, लोगों को आने से रोकना बंद करो, नहीं तो मुरादाबाद की रैली तो जैसे तैसे आज चली जाएगी, लेकिन अजय लल्लू यहाँ से जाएगा नहीं, सड़क पर बैठकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा और हिसाब करेगा, ये ऐलान करके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मंजूरा थाना इलाके के बुद्धि विहार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद अपने ससुराल से प्रतिज्ञा रैली की है। रैली के अंदर मंच से संबोधन करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की मुरादाबाद जनपद में प्रतिज्ञा रैली में भारी संख्या में जनता मौजूद रही और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस द्वारा से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा अपने ससुराल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली की है, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए भारी संख्या में जनता पहुंची थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रियंका गांधी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए, यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ एक सभा में आप सबकी भी सबका भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में सीता नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के बाद एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय
पाया, क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ, आपके पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया।